दरअसल वी द पीपल जो कंसेप्ट है वो संघ का कंसेप्ट है, मगर वो चूंकि अभी समझ में आया है लोगों के, तो वो स्टार्ट हुआ है, उसका प्रचार प्रसार चल रहा है, लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो व्यक्ति इंडिविजुअल है यानी समण संघ में जो किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको अपने संगठन से कोई लगाव नहीं है, या जो संगठनों से ऊब चुका है, या ये मानता है कि ये हजारों लाखों संगठन हमारा भला नहीं कर सकते, इन संगठनों में कोई दम नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक वैसे लड़ते हैं जैसे जातियां आपस में लड़ती हैं। मतलब जातियों का काम भी है कि एक जाति से दूसरे जाति में जा नहीं सकता, एक जाति से दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकता, एक जाति वाला दूसरी जाति के यहाँ रोटी नहीं खा सकता, एक जाति वाला दूसरी जाति से लड़ता है, एक जाति वाले के जो कबीले का जो मुखिया है वो दूसरे जाति वाले कबीले के मुखिया से हमेशा वैर भाव रख सकता है, उनके यहाँ उठना बैठना बोलचाल बिजनेस व्यापार नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है, और वो एक दूसरे की जम के बुराई भी करते हैं और एक दूसरे के जम के दुश्मन भी हैं, और एक दूसरे को अगर कोई लाभ होता है तो उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर जो लड़ाई है वो आपस में चलती है कि इसको ज्यादा मिल गया, इसको मुझे मिल गया, इसको नहीं मिला, इसको वो ए और बी की लड़ाई लोगों ने उसमें डाल रखी है, ऐसी लड़ाइयां सब जगह है। तो ये जितने भी संगठन है, जितने भी अपने अपने संगठनों से मोह है और लगाव है, उन संगठनों से ये कहा गया कि इनसे कोई फायदा अगर होता हो तो आप बताओ। कई लोग कहते हैं कि ये संगठन हुए तो हम यहां तक पहुंचे हैं, मगर होल सोल में आप देखेंगे या पूरा परिदृश्य देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने ज्यादा संगठन बने उतने ज्यादा अधिकार चले गए जो बाबा साहब लेके आए थे। दरअसल संगठन भी वही व्यवहार करते हैं जो जातियां करती हैं। जाति में एक दूसरे में नहीं जा सकते तो संगठन भी एक दूसरे में जाने से मना करते हैं। संगठन आपस में विलय नहीं करते, ऐसे ही जातियों का विलय नहीं होता। संगठन के जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि जो मेरी आसामी है, जो मेरा ग्राहक है, जो मेरा चेला है, जो मेरा भक्त है, वो दूसरे का भक्त ना बन जाए, दूसरे की आसामी ना बन जाए, दूसरे को चंदा देने वाला ना बन जाए, दूसरे का झंडा उठाने वाला ना बन जाए, मेरे ही अंदर रहे, मेरे ही दड़बे में रहे, मेरे ही बाड़े में रहे। इसलिए वो दूसरे संगठन के नेता की और दूसरे संगठन की पॉलिसियों की और दूसरे संगठनों की बुराइयां करते रहते हैं, और जब उनकी नहीं चलती है या उसमें दो चार लोग दावेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आपस में बांट लेते हैं कि अब हम तीन संगठन बना रहे हैं, तीनों के हम अलग अलग प्रधान हैं और तीनों को हम एक दूसरे की मान्यता देते हैं, तुम भी संगठन चलाओ, हम भी संगठन चलाते हैं, और उनके कार्यकर्ताओं को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि बाबा साहब ने कब कहा था कि संगठन इतने सारे बनाने हैं या उनके टुकड़े करने हैं। तो वो दरअसल प्रधान बनने के लिए और चंदा इकट्ठा करने के लिए वो आपस में एक दूसरे को मान्यता देते हैं। वो कभी अपने कार्यकर्ता से ये नहीं कहते कि संगठन टूटना खराब है, टूटना नहीं चाहिए और हमको इसकी मान्यता नहीं देनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति टूट गया है तो उसको भगा देना चाहिए, मगर कार्यकर्ता को एक साथ रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं को इस तरह से तैयार करते हैं कि कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं अपने संगठन के आका के लिए, और एक दूसरे से खून के प्यासे होकर लड़ते हैं, ठीक ऐसे जैसे जातियां हैं। तो समस्या दोहरी हो गई, एक तरफ तो जातियां वही व्यवहार कर रही हैं और दूसरी तरफ संगठन वही व्यवहार कर रहे हैं। तो जब वी द पीपल या टीम 22 पे, ये टीम 22 चैनल आप जानते हैं, टीम 22 चैनल पे जो वीडियोस बनी थी और जो वीडियो आपके यहां भी लगी हैं आवाज इंडिया चैनल पे, उनमें बार बार ये समझाया गया कि ये जो अलग अलग संगठन खेल रहे हैं दरअसल ये बाबा साहब के दुश्मन हैं, ये जो अलग अलग धमका काम कर रहे हैं, जो मठाधीश बने हुए हैं, बैठे हुए लोग हैं, जो चंदा काट रहे हैं और पर्चा ले रहे हैं, दरअसल बुद्ध के संघ के दुश्मन हैं, ये जो अलग अलग लड़के अलग अलग संगठन बना के चल रहे हैं दरअसल ये युवाओं के दुश्मन हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो चंदा ले रही हैं, धंधा ले रही हैं और एक दूसरे की दुश्मन है, दरअसल वो समाज की दुश्मन है, अलग अलग पार्टियों से कुछ बात नहीं बनने वाली है, अगर समर समाज की सारी पार्टी इकट्ठी होती है तो कुछ फायदा होगा, और अगर समर समाज में सिर्फ एक जो छोटा हिस्सा है शेड्यूल कास्ट है, अगर खाली उसकी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो वो 16% पे आती हैं, सारा वोट भी अगर ले लेंगी तो 16% से एक MLA भी नहीं बनता। ये बातें जब बताई गई तो सारे संगठनों में खलबली मच गई, और ऐसा भी कहा गया वी द पीपल की तरफ से कि भाई आप इन नेताओं को छोड़ दो अगर आपको बचना है, तो इन नेताओं की वैसे हमारे सारे अधिकार गए हैं, क्योंकि ये नेता अगर इकट्ठे हो जाते तो हमारे अधिकार नहीं जाते, अगर ये नेता इकट्ठे हो जाते और सड़क पे आ जाते और कुछ ना भी कहते तो भी हमारे अधिकार जो गए हैं वो वापिस आ जाते, मगर ये नेता कभी 14 अप्रैल पे भी इकट्ठे नहीं हुए, और बाबा साहब का सब नाम लेते हैं और सब पोस्टर लेते हैं, और बाबा साहब ने कहा था इकट्ठे रहो, मतलब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं, इससे ज्यादा बाबा साहब के धोखेबाज और बाबा साहब से मक्कारी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, और बाबा साहब के जन्मदिन की तो बात छोड़िए,
बाबा साहब के मरण दिन पे यानी कि 6 दिसंबर को भी कभी आपने इन नेताओं को एक साथ बैठे हुए ये कहते नहीं सुना होगा कि समाज के लोगों हम इस दुख में सब साथ साथ हैं, आप डरना मत। मतलब ये दुख में भी साथ नहीं हो सकते, ये किसी के यहां शादी ब्याह में भी इकट्ठे नहीं होते। इनका आपने कभी मंच से एक साथ गले में गले डाल के फोटो नहीं देखा होगा, एक साथ हाथ में हाथ मिला के फोटो नहीं देखा होगा, एक साथ हाथ ऊपर खड़े करके फोटो नहीं देखा होगा, आपने मंच पर देखा ही नहीं होगा कभी। इस कदर इन्होंने समाज में दुश्मनी और विष फैला रखा है। तो ये बात जब बहुत तेजी से प्रपोगेट होने लगी कि इन नेताओं को छोड़ दो, इनको चंदा धंधा देना छोड़ दो, इनको पैसा देना छोड़ दो, तुम बच जाओगे, हमारा दुश्मन जिसको ये दुश्मन बताते हैं वो दुश्मन नहीं है, जिसका ये प्रचार प्रसार करते हैं पूरी जिंदगी लगाते हैं कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है। दरअसल हमारे ये संगठन सारे दुश्मन हैं जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं और इकट्ठे नहीं होने दे रहे। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, आज अगर 12:01 पे इकट्ठे हो जाएं तो 12:02 पे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सारे तालों की चाबी राजनीति नहीं है, सारे तालों की चाबी है इकट्ठा होना। क्योंकि इकट्ठे होंगे तो राजनीति में जीत सकते हैं, इकट्ठे होंगे तो धम्मों में प्रबुद्ध भारत भी बना सकते हैं, इकट्ठे होंगे तो लड़के अपने दलबल करके अपना रोजगार और नौकरी भी ले सकते हैं, इकट्ठे होंगे तो जितने भी सामाजिक संगठन है वो सामाजिक काम कर सकते हैं, अगर इकट्ठे होंगे तो हम आर्थिक इकोनॉमिक अपना व्यापार भी चला सकते हैं। तो सारे तालों की चाबी इकट्ठा होना है, और पहले इकट्ठा होना है, बाद में कुछ और करना है, इसलिए इकट्ठा होना बहुत बड़ा काम है। तो संगठनों को लगा अगर लोगों को ये बात पता चल गई और लोगों को यानी उनकी जो आसामी, उनके जो भक्त, उनके जो ग्राहक हैं, अगर उनको ये पता चल गया कि हम जो संगठन चलाने वाले लोग हैं वही दुश्मन हैं इनके, और ये समझदारी तो उनको आनी है, तो ये लोग हमें मारेंगे भी, पीटेंगे भी, पैसे भी देंगे, तो हमारा रोजगार धंधा कैसे चलेगा? हम तो कोई काम करते नहीं, हमारा तो कोई बिजनेस नहीं, तो हमारा तो धंधा, हम तो पड़जी भी हैं, हमारा खाना खर्चा तो नहीं से चलता है। तो संगठनों में जब खलबलाहट होने लगी तो हर संगठन के लोगों ने कहा आओ इकट्ठे होते हैं, हम इकट्ठे होने का कार्यक्रम लगाते हैं। अब ये एक बीमारी और आ गई है कि अपने वजूद को बचाने के लिए हर संगठन ये कहता है इकट्ठे होने, इकट्ठा होते हैं, आओ सब इकट्ठे होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नाटक शुरू हो गया, इकट्ठा कोई नहीं होना चाहता। तो यह आह्वान किया वी द पीपल के मन से कि भाई इकट्ठे हो, कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों ने इस चैलेंज को लिया, जिसमें जो बामसिफ बोरकर वाले ग्रुप की है उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग लगाएंगे इकट्ठा होने के लिए। हालांकि हम इस मीटिंग के विरुद्ध थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम एक फिजिकल मीटिंग लगाएंगे, वर्चुअल मीटिंग में बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने फिजिकल मीटिंग लगाई 28 और 29 अगस्त की, और उन्होंने स्थान चुना नागपुर का, जो उनका रिंगावड़ी का जो सेंटर है वहां पर। वहां करीब 50 लोग आए और वहां बात तय हुई कि भाई जितने संगठन इकट्ठा होना चाहते हैं वो इकट्ठा हों। तो वहां एक एनसीसी एमबीओ करके बना, यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ये कहा गया कि जो लोग अपने संगठन का वजूद रखना चाहते हैं और जिनकी इच्छा मिलने की है वो इसमें आ सकते हैं। तो रिंगावड़ी के अंदर ये हुआ है नागपुर के अंदर कि आप वहां संगठन हैं और अपने संगठन का वजूद रखना चाहते हैं तो वहां इकट्ठे हो जाइए, और आप अकेले हैं और संगठन में नहीं जाना चाहते हैं तो वी द पीपल में आ जाइए, क्योंकि वी द पीपल तो सबका है। दरअसल सारे संगठन वी द पीपल में आते हैं, हर चीज वी द पीपल में आती है, क्योंकि वो संघ है और वो कभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, उसमें पैसा नहीं इकट्ठा किया जा सकता, उसमें कहीं कोई पद नहीं है, उसमें कोई पोस्ट नहीं है। वी द पीपल जस्ट लाइक ऐसे चलता है जैसे बुद्ध के समय चलता था, सब लोग संघ के हैं, इसलिए वहां सब लोगों को आना है, फिर अपना अपना काम करते जाइए। ठीक ऐसे जैसे परिवार के अगर 5 लोग होते हैं तो कोई स्कूल जाता है, कोई काम पर जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई खेती का काम करता है, और शाम को वो घर आ जाते हैं, ऐसे ही सब अपना अपना काम करें। कोई राजनीति करे मगर एक साथ करे, कोई धन का काम करे मगर एक संघ में करे, एक साथ करे। कोई अगर आर्थिक काम करना चाहता है, बिजनेस का काम करना चाहता है तो करे मगर एक साथ करे। कोई लड़के दलबल बना के अपना रोजगार का काम या पढ़ाई काम करना चाहते तो आए, एक साथ करें। कोई सामाजिक संगठन अगर आए तो एक सामाजिक संगठन में आए, तो एक ही जगह पैसा इकट्ठा होना चाहिए पूरे समाज का, और एक ही जगह से खर्च होना चाहिए। जितने बुद्ध विहार वगैरह हैं वो भी सब समर समाज में आए, जितने अम्बेडकर भवन, जितने हमारे टीले हैं, या जितने हमारे मठ हैं, या जितने हमारे जो भी हमारे डेरे हैं, या जहां जहां भी हमारे संत महापुरुष हैं उनकी जो भी चीजें हैं, वो सब समर समाज के लोग हैं, सब समर हैं, तो उनको समर समाज में आके इकट्ठे होकर रहना चाहिए। उससे उनका बहुत पैसा बचेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, और संविधान के अनुसार उनको हिस्सा भी मिलेगा। इसलिए जिनको संगठन में आना है वो वहां है। यही कार्यक्रम था नागपुर का जो सफल रहा, और उसकी घोषणा भी हुई, और लोग उसमें संगठनों के साथ में जाने भी लगे हैं। जो अभी भी नहीं जाना चाहते हैं उनके संगठन खत्म हो जाएंगे, उनके वजूद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है
कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, और जितने जितने जुड़ेंगे उतने उतने जीतेंगे। तो जुड़ना है और जीतना है, जिद्द है जुड़ने की। और अगर नहीं जुड़े तो गारंटेड है कि सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में हर चीज जुड़ी हुई है। चींटियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, मधुमक्खियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, समुद्र के अंदर मछलियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, और मनुष्य भी संघ में और समूह में रहते हैं। हमको तोड़ा गया है, हम अलग रहने वाले लोग नहीं थे, हमारे संघ थे, हमारे कुनवे थे, और हम इकट्ठे रहा करते थे। तो हमको दोबारा से इकट्ठा होते ही हम वही महाभारत के रचयिता दोबारा से बन जाएंगे, जब कभी हमें सम्राट अशोक ने बनाया था। धन्यवाद।